बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आफरीन फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ एक अनोखा सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो आपने कभी बनाया नहीं होगा और ना ही कभी कहीं इसको खाया होगा। एकदम अलग तरीके का सैंडविच है और साथ में इसका चटनी भी मैं एकदम अलग कलर का, अलग तरीके से मैं बनाना बताई हूँ, और इसका स्टफिंग भी बहुत टेस्टी मैं बनाना बताई हूँ। तो अगर ये सैंडविच आप बना रहे हो तो इसका वीडियो पूरा ज़रूर देखना, बिना स्किप किए हुए, तभी आपका रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के रेडी होगा। और ये चटनी भी बहुत टेस्टी बना है। आप इसको बच्चे के लंच बॉक्स में दोगे तो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, आप इसे स्टोर भी कर सकते हो। तो आइए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक कढ़ाई ली हूँ। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालूँगी। इसका स्टफिंग मैं पहले तैयार करूँगी। तो इसमें मैं एकदम बारीक चॉप करके अदरक और लहसुन एकदम बारीक चॉप करके डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो डालें, अगर आपको नहीं पसंद है तो इसके जगह पे आप जीरा भी डाल सकते हैं। इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करूँगी। एक मीडियम साइज का प्याज एकदम बारीक चॉप करके ली हूँ, अभी ये इसमें डाल दूँगी। इसको अभी मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनूँगी। प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना है, इसको हल्का ही मैं भूनूँगी, क्योंकि स्टफिंग एकदम अलग तरीके से मैं बना रही हूँ। अभी इसमें 4 हरी मिर्ची एकदम बारीक चॉप करके ली हूँ, ये भी डाल दूँगी। एक मीडियम साइज का गाजर है, इसको मैं कद्दूकस करके ली हूँ, अभी ये भी डाल दूँगी। अगर आपके पास कोई और सब्जी है, जैसे कि शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, हरा वटाना है, तो वो डाल सकते हैं। अगर नहीं कुछ भी है तो खाली प्याज से भी आप बना सकते हो। मेरे पास गाजर था तो इसके लिए मैं गाजर और प्याज डाल दी हूँ। अभी इसको मिक्स करके इसका मीडियम टू लो फ्लेम की हूँ, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं की हूँ, क्योंकि इसको मुझे गलाना है। जब तक मेरा गाजर पक रहा है, मैं 3 बड़े साइज के आलू को उबाल ली हूँ और इसको एक मैसर की मदद से एकदम अच्छे से मैस कर लूँगी। अगर आपके पास मैसर नहीं है तो एक कटोरी से भी आप ये कर सकते हो। एकदम अच्छे से इसको पूरे तरीके से मैश करना है, ताकि इसको जब हम ब्रेड में डालेंगे तो एक भी आलू का टुकड़ा नहीं रहे। इसको पूरी तरीके से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से मैं इसको मैश कर ली हूँ, और मेरा गाजर भी इधर एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाई हूँ। जो प्याज और गाजर, मिर्ची, अदरक, लहसुन सब एकदम अच्छे से पक चुका है। अभी मैं इसमें आलू जो मैश करके ली हूँ, अभी ये इसमें मैं मिक्स कर दूँगी, और एकदम मीडियम टू लो फ्लेम में की हूँ, हाई फ्लेम नहीं की हूँ, नहीं तो फटाफट ये आलू कढ़ाई में लगने लगता है और स्टफिंग अच्छा नहीं बनेगा, जल जाएगा। तो अभी मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच अमचूर पाउडर। सभी मसालों को एकदम मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और इसमें एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही मैं की हूँ, क्योंकि इसमें मसाला और आलू सब जलने वाला है। मीडियम टू लो फ्लेम करके इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे, और इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे, ताकि सब मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। सारे मसाले और नमक जो भी मैं डाली हूँ, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अभी बाद में मैं इसमें 1 कटोरी ताज़ा फ्रेश हरा धनिया डाल रही हूँ। इसको और चटपटा बनाने के लिए आधा नींबू का रस निचोड़ दूँगी। और अभी मैं गैस बंद करके कढ़ाई को नीचे उतार ली हूँ। अभी इसको एकदम अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें नींबू डाली हूँ और धनिया डाली हूँ, इससे खुशबू बहुत अच्छा आएगा। तो सभी चीज़ों को मैं मिक्स कर ली हूँ। अभी एक मिक्सी वाटी ली हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं 8 से 10 कली लहसुन और 2 हरी मिर्ची डालूंगी। एक चटनी इसका तैयार करूंगी, जिसमें थोड़ा सा मैं सोया ली हूं। अगर आपके पास है तो डालें, अगर नहीं है तो नहीं डालें। 1 मुट्ठी भर के ताज़ा फ्रेश हरा धनिया ली हूं, आधा चम्मच नमक लूंगी और बर्फ़ के 2 टुकड़े मैं इसमें डालूंगी। इससे चटनी एकदम हरा अच्छा इसका कलर आता है। अगर आप ऐसे पीसेंगे तो लीजिए, मेरा चटनी एकदम बन के तैयार हो गया है, इसका कलर बहुत अच्छा आया है। तो स्टफिंग भी तैयार है, चटनी भी तैयार है। अभी 1 कटोरी में मैं मेयोनीज ले रही हूँ, अभी इससे मैं सैंडविच बनाऊँगी। अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो टोमेटो केचप भी ले सकते हैं। और एकदम ब्रेड को, आप जो भी ब्रेड ले रहे हो एकदम सीधा ब्रेड लें, अगर टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो अच्छा नहीं बनेगा।
तो ये हरी चटनी मैं ब्रेड पे डाल के इसको फैला लूँगी अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से फैला लेंगे और सब तरफ चटनी लगा लेंगे। चटनी ज़्यादा तीखा नहीं है, इसके लिए मैं ज़्यादा तीखा नहीं की हूँ। और स्टफिंग भी मैं मिर्ची डाली हूँ, तो अभी स्टफिंग भी अच्छे से इस पर लगाएंगे। मैं आलू एकदम अच्छे से मैश की हूँ, इसके लिए स्टफिंग कितना भी आप डालोगे तो परेशानी नहीं होगा। अगर आलू मैश नहीं रहेगा तो उसमें बड़ा बड़ा आलू दिखेगा तो परेशानी होगा आपको काटने में भी और स्टफिंग इसको लगाने में भी। तो ब्रेड को मैं चारों तरफ से एकदम स्टफिंग अच्छे से लगा दी हूँ। अभी मेयोनीज लूँगी और एक ब्रेड पे मैं मेयोनीज लगाऊँगी। आप ये सैंडविच बना के देखोगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, आपको ऐसा कहीं रेस्टोरेंट होटल में कहीं भी नहीं मिलेगा ये सैंडविच। तो मैं एक तरफ से ब्रेड में चटनी लगाई हूँ, एक तरफ से मेयोनीज लगाई हूँ। तो अभी दोनों ब्रेड को एक साइड रखते हुए जिस साइड का किनारी है उसी किनारी पे मिला के रखेंगे ताकि अच्छे से ये ब्रेड कटने के समय परेशानी ना हो। तो हाथों से मैं इसको दबा के अच्छे से प्रेस कर दी हूँ और चारों तरफ से एकदम अच्छे से बनके मेरा तैयार हो गया है। अभी इसी तरीके से मैं एक और आपको बना के बता देती हूँ। ये बहुत जल्दी बहुत आसानी से फटाफट बन जाते हैं। अगर आप इसको बच्चे के टिफिन के लिए बनाते हैं तो ऐसे रात में आप करके इसको पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। सुबह में आपको खाली फ्राई करके देना रहेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसको बच्चे को टिफिन में दोगे तो पूरा टिफिन ही बच्चे ख़त्म करके ही आएंगे। तो इसी तरीके तो सारे सैंडविच को मैं बना लूँगी। आप देख सकते हैं सारे मेरे बनके हो गए हैं। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, शाम को बना के रख देंगे तो कभी भी इसको फटाफट से, खाली फ्राई करना रहता है तो फ्राई करने में बिल्कुल 2 से 3 मिनट लगेगा। और ऐसा करके रख देंगे तो आपका काम फटाफट से हो जाएगा। अभी मैं इसको, आप चाहें तो इसको कट करके भी फ्राई कर सकते हैं या ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे ही फ्राई करूँगी। मेरा चटनी भी तैयार हो गया है और अभी मैं इसका एक हरा चटनी तैयार करूँगी। तो मेयोनीज जो मेरा है वो ख़त्म हो गया है, चटनी भी ख़त्म हो गया है, थोड़ा ही चटनी बचा है। तो अभी इसी कटोरी में मैं वापस से और मेयोनीज डालूँगी। ये मैं बहुत अलग तरीके का चटनी बना रही हूँ। आप चाहें तो ये हरी चटनी से भी इसको खा सकते हैं, लेकिन मैं इसका चटनी एकदम बिल्कुल अलग तरीके का बना रही हूँ। मेयोनीज में अभी 2 चम्मच मैं हरी चटनी डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके एक चटपटा सा चटनी, एकदम तीखा भी रहेगा मीठा भी रहेगा, इसको खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको पराठे से भी खा सकते हैं, समोसा कचौड़ी पकौड़ी से भी ये चटनी आप बना के खा सकते हो। तो अभी एक पैन ली हूँ, एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं पैन को रखी हूँ। अभी 1 चम्मच मैं इसमें बटर डालूँगी। अभी बटर को मेल्ट होने तक इसको पका लूँगी, एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करें, नहीं तो ब्रेड है तो फटाफट से जल जाता है। तो बटर मेरा मेल्ट हो गया है, अभी मैं इसमें ब्रेड को डाल के हल्के हाथों से इसको घुमाते हुए इसको फ्राई करूंगी। चारों तरफ से घुमाते हुए फ्राई करेंगे क्योंकि सब तरफ हो जाए तो आप देख सकते कलर मसाला कितना अच्छा आया है। और मस्का में फ्राई कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा ये टेस्टी बना होगा, आप सोच रहे होंगे कि कितना टेस्टी होगा। देखते ही देखते मुँह में पानी ज़रूर आया होगा आपके, आपका बनाने का मन तो इस दिल आपका मन तो ज़रूर करेगा कि मैं ये बनाऊं। तो आप इसको ज़रूर बना के खाएं, बहुत टेस्टी बनता है। दिखने में ही लग रहा कितना अच्छा होगा, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से स्टफिंग कितना चटपटा इसका है। तो मेरा एक फ्राई हो गया है, इसी तरीके से मैं सारे सैंडविच को फ्राई कर ली हूँ। आप देख सकते कितना अच्छा ये फ्राई करके हुआ है। तो मैं इसको कट करके भी बता देती हूँ, इसका कट करके इसके अंदर का स्टफिंग कितना अच्छा है। और एक तरफ से मैं इसमें हरी चटनी लगाई हूँ और एक तरफ से मेयोनीज लगाई हूँ, तो एकदम अंदर से भी टेस्टी है और बाहर से भी एकदम बटर में फ्राई की हूँ तो कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। दिखने में ही कितना प्यारा लग रहा, बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हुआ है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना और इसको किसी को भी देंगे तो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, मेहमान भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बच्चे घर वाले सब इसे बहुत पसंद करते हैं। आप इसे इस चटनी के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हुआ है। तो आपको वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर ऐसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।